अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि 650 पे एक को जीएम सेन द्वारा मिल रहा था। मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे लगा 650 पे आपको नया कॉलेज मिल रहा है, दिस इज़ नॉट फेयर। फिर मैंने एक बात बोली थी, अगर 3 4 साल पहले जीएम सेन द्वारा बनता तो 300 कट ऑफ होता। हमने ये देखा है, अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ होता है। जीएम श्रीनगर जब अलग अलग कैटेगरीज देखो ना, 300 भी मिलता था अलग अलग कैटेगरीज को, तो जीएम सेन द्वारा की तो बात ही नहीं थी अगर 1 2 साल पहले बात करी जाए। इस साल थोड़ा अनप्रेसिडेंट हुआ कट ऑफ। तो मैंने वो वीडियो फिर डिलीट किया, फिर मैंने एक्सप्लेनेशन दी व्हाई व्हाट आई मीन इन इन दोज वीडियोस। बट जीएम सेन द्वारा का जो पहला बैच था, दे गॉट ऑफेंडेड। आई डोंट नो व्हाई दे गॉट ऑफेंडेड। एक 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 रियलिटी चक ने उनको हिला दिया कि दे आर टॉकिंग नॉन सेंस इन कॉमेंट्स। आप प्लीज़ बता दें क्या ये गलत बात है हम कॉलेज को कंपेयर करें उनके कॉन्स एंड प्रोज को, और आपके सामने रियलिटी चक दें। अगर एक बच्चे को मिल रहा है जेएमसी कोटवा, और जेएमसी हंदवाड़ा भी, एक रीज़न से वो हंदवाड़ा चूज कर सकता है कि अगर उसको चूज करना है जेएमसी हंदवाड़ा, वो एक रीज़न से, या तो उसके पास जेएमसी कोटवा में रहने का पैसा नहीं है खर्चा आने जाने का, या तो उसके पास घर नज़दीक है हंदवाड़ा का, तब जाके वो जा सकता है, या उसको बस लास्ट चांस पे मिल रहा कॉलेज, उसको हंदवाड़ा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज पीपल फ्रॉम हंदवाड़ा दे विल टॉक कि जीएमसी हंदवाड़ा कितना वेल डेवलप्ड है। रियलिटी चेक देने से आप क्यों हिल जाते हो? इफ समवन फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर इज गोइंग टू गिव रियलिटी चेक टू मी दैट यू आर फ्रॉम जीएमसी अनंतनाग, ओब्वियसली अभी आप बच्चे हो, तो आई वॉन्ट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि बच्चे ही हैं। अभी 6 साल हुए हैं इस कॉलेज को, छठा साल चल रहा है। सिक्स ईयर में हमने यहाँ पे देखा कैथलैब इंस्टॉलेशन। इट्स नॉट मियरली अबाउट बिल्डिंग्स। अलहमदुल्ला बिल्डिंग अच्छी है जीएमसी अनंतनाग की, बिल्डिंग अच्छी है जीएमसी बारामूला की, एंड बिल्डिंग अच्छी है जीएमसी कठुआ की। डोडा और राजौरी में ये प्रॉब्लम है, वहाँ आने जाने का सिस्टम थोड़ा खराब है, या उस साइड रजौरी जाने का, वो फिर बच्चों को फिर वो अलग रहता है, होम सिक बंदों को प्रॉब्लम हो जाते हैं, और बाकी कल्चरल डिफरेंस है वहाँ पे। कल्चरल भी नहीं उतनी, बट बाकी चीज़ें जो है देखी जाती है। बच्चों ने जो कमेंट किया है कि वो इसलिए रजौरी नहीं गए, इन स्पेशली मैं खुद रजौरी नहीं गया क्योंकि मुझे एक तो दूर लगा काफ़ी, और दूसरी बात जेएमसी जम्मू को मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया उस टाइम, अदरवाइज वो इस्टेब्लिश्ड कॉलेज, पर्सनल कुछ रीजंस हुई थी, तो फिर मैं जेएमसी अंतना गया। ये नया कॉलेज है, अलहमदुल्ला कॉलेज को 5 साल हुए। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम सीनियर्स। हमारा पहला बैच अभी जा रहा है इंटर्न्स में। मैं उनसे पूछता हूँ, जब हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं मैं उनसे शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें, तो वो मुझे सिखाते हैं ये सब चीज़ें। वो मेरा मतलब था, जेएमसी हंदवाड़ा में आपको अभी कोई नहीं सिखाने वाला। जेएमसी हंदवाड़ा में अगर अभी फर्स्ट बैच हो आप, सेकंड बैच आप फर्स्ट बैच से थोड़ा सीखोगे, लेकिन जो जेएमसी कोटवा में अभी इस साल जाएगा, उसके आगे 4 बैच है, 5 बैच, तो वो बहुत सारा कुछ सीखेगा। वैन आप जब क्लिनिकल पोस्ट में जाते हो, तब वहाँ पे सीखने को यही सीनियर्स होते हैं आपके पास, जो आपको जीएमसी हंदवाड़ा में अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर आप जीएमसी कोटवा जा सकते हो तो प्लीज़ इन सेकंड राउंड, वैसे मुश्किल है तो आप जाइए, ट्राई करिए। अगर नहीं है, जब कोई भी, जब वो कहते हैं ना, कुछ हो, कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है, फिर आप जबको कुछ नहीं मिलता ना, तब जीएमसी अनंतनाग में एमबीबीएस करना, वो आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सीट है। जीएमसी हंदवाड़ा बैच, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, डोंट गेट ऑफेंडेड, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। मेडिको का मतलब ये है, आप रियलिटी चेक को बर्दाश्त करें, आप टॉन्ट्स को, आप क्रिटिक्स को बर्दाश्त करें, और आप वर्क हार्ड करें। आप बता रहे हो फिर हमने सेकंड पोजीशन लाई, अब हमारा कॉलेज बेहतर हुआ। हमारा कॉलेज जेम्स इतना 5 3 ईयर से कंजिकेटिवली गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन यूनिवर्सिटी, डज इट मीन कैन वी कि अब हम बोले कि जेम्स इतना जेम्स श्रीनगर से बेटर है? नहीं, लगता है टाइम। अंडरस्टैंड दिस, जेम्स द्वारा जो लोग हैं, जो मुझे व्यूवर्स हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट करें कि जेम्स द्वारा किस हद से अभी तक डेवलप हुआ है। ये बच्चे जो ऑफेंड हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के बैच, जो उन्होंने जिन्होंने हाल हाल में फर्स्ट ईयर पास किया, उनको मैं बता रहा हूँ, ऑफेंड मत होइए आप। आप सीखे मेडिको बनना, बियर प्रेशर करना, यही मेरा मतलब था। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको कोटवा मिल रहा है सेकंड दिस में, या मिल रहा था तो सेकंड में, उनको मिलने के बहुत सारे चांसेस है, प्लीज़ सेकंड राउंड में जाइए, कोटवा जाइए। कोटवा इज़ अ बेटर कॉलेज। कोटवा से मुझे जो देख रहे हैं सीनियर्स और इवन जूनियर्स, प्लीज़ आप कमेंट्स करिए कि जीएमसी कोटवा कैसा है, या फ्रॉम जीएमसी बारामूला आप बताएं खुद को इनको। ये फिर कमेंट्स करेंगे नॉनसेंस, और फिर ये मुझे बताएंगे कि आप बिल्कुल डिफेम कर रहे हो, आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट डिमोटिवेशन, इट्स अबाउट गिविंग अ रियलिटी चेक, इट्स अबाउट रियलिटी दैट जीएमसी हंदवाड़ा, उनका मेक शिफ्ट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेक शिफ्ट में 4 साल और लग जाएंगे, वहाँ पे हॉस्टल भी शिफ्ट नहीं हुआ अभी, बहुत सारी चीज़ें जो अभी लैक हो रही है वहाँ पे। तो उस वजह से अगर आपको जीएमसी हंदवाड़ा के अलावा ऑप्शन है, देन प्लीज चूज दैट। अगर नहीं है, तब आप वहाँ रहिए, बियर द रियलिटी, वर्क हार्ड, एंड इंशाल्लाह इन फ्यू ईयर्स आपको एक अच्छा कॉलेज देखने को मिलेगा। आपके जूनियर्स लड़के होंगे, आप उनको सिखाएंगे। ये एक मतलब होता है इस्टेब्लिश कॉलेज में। सिकिम्स, जम्मू, श्रीनगर, वो इस्टेब्लिश है, 50 साल गुजरे, पीजी अलग हॉस्टल्स है, पीजी बैच्स है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है वहाँ पे। जब उनके मातहत ये जूनियर्स रहेंगे ना, तब वो सीखते हैं। आई विश आई कुड हैव गॉन टू जीएमसी श्रीनगर,
आई कुड हैव गट सिलेक्टेड इन जीएम श्रीनगर। अब 700 पे कोई यहाँ आएगा उसको बहुत बुरा लगेगा, 670 पे 676 पे मिल रहा है जीएम से ना, तो उसको अंदर से रहेगा एक खुदा इस साल बहुत बुरा हुआ, मुझे एटलीस्ट सिक्किम्स मिलना चाहिए था। फिर भी वो अलहमदुल्ला पढ़ता है क्योंकि MBBS मिला। तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रॉम जीएम से हंदवारा प्लीज़। और बाकी कमेंट्स में लिखिए आप जीएम से हंदवारा चाहे ओटी कर रहे हैं बीएससी, वो हाउ इज़ जीएम से हंदवारा, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और जीएम से कोठवा वाले लिखें इट्स जीएम से कोठवा बेटर और जीएम से हंदवारा बेटर, ओब्वियसली जीएम से कोठवा।